आर बीइंग मेड एंड हम डरने वालों में से ना पीछे डरे हैं ना आज डरे हैं। हमने कुर्बानियां दी हैं, मेरे फादर ने 8-10 साल जेल में दिए हैं, मैंने इंटरोगेशन देखा है, भाई ने देखा है, हमारे वर्कर्स ने देखा है, हमारे हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स को शहीद किया गया है। सो डर नाम की चीज नहीं है, वो जो करना है करे, ये नहीं होगा। एंड लेट देम स्टॉप, वी आर फेड अप नाउ। आप मैंने बोल दिया, मेरे हमरा जनरल सेक्रेटरी साहब हैं और लंगेट के कैंडिडेट हैं मेरे, तो मैं इसके अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा। आई डोंट, आई सर्टेनली बिलीव दैट जो गवर्नमेंट फोर्सेस हैं, देयर सर्टेनली इज एन इंटरफेरेंस, अनडाउटेडली एन इंटरफेरेंस, बोथ ओब्लिकली एंड डायरेक्टली। दे आर डूइंग इट, दे आर ट्राइंग टू प्री डिसाइड हु विल विन एंड हु वोंट विन, एंड बोथ एट द सेंट्रल लेवल एंड एट द स्टेट लेवल। And it's reprehensible given 1987 was the cause. Why do I always shout 87? Because so that they don't do it again. Sajjad sir, NCP kya target karega? So to khud aaj katere mein. Kitna badly executed plan to Delhi ne 1947 se nahi kiya jitna ye badly executed ho. Isko to badbu aa rahi hai BJP ki, is plan ko. Ek koi plan hota hai, nahi aati to hai. मैंने आज तक कभी किसी को ना एजेंट बोला है ना बीजेपी का या कुछ बोला, बट आई कैन टेल यू विद फुल अथॉरिटी, यस ही इज। उसको बोलो 2 महीने से कहां थे, वो तो जेल में था ही नहीं, वो कहां था जेल में पिछले 2 महीने से, ही वाज नॉट इन द जेल फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। और हम रहे हैं इसमें, हमारे हमने जेल देखे, हमारे साथी जेलों में थे, जब बातचीत करनी हो तो वो बंदा बीमार हो जाता है, फिर उसको हॉस्पिटल लिया जाता है। ये तो 1990 में पहले मैंने देखा है, 91 में, सॉरी 91 में मैंने देखा है पहले। सो दिस इज नॉट समथिंग न्यू, वी हैव सीन इट इन द पास्ट, बट इट इज वेरी बैडली एग्जीक्यूटेड। जो बाकी गवर्नमेंट्स थी उनको एक तरीका था, इनका एज यूजुअल यू नो एज अगली एज देयर आइडियोलॉजी, एवरी प्लान इज वेरी अगली। सो देयर इज दैट। और सबसे बड़ी बात है, अब आपका वक्त आया है, आपने जितना मुझसे पूछना था पूछा, अब अगर आप इफ यू हैव दैट यू नो दैट जर्नलिस्टिक फर्वर, दैट स्प्रिट ऑफ जर्नलिज्म, नाउ गो एंड आस्क उमर अब्दुल्ला हु वाज बीजेपी, जो पिछले 4 महीने से जनवरी से लगा रहा बीजेपी, बीजेपी कौन था, बीजेपी हु वाज द विक्टिम ऑफ बीजेपी एंड हु वाज विद बीजेपी, वाज आई अ विक्टिम ऑफ बीजेपी और वाज आई विद विक्टिम, वो दिल पर हाथ रख करके। ये क्या वहां से अगर आता है, वो अब्दुल्ला साहब बोलते हैं कि इंजीनियर रशीद बीजेपी का आदमी है, वो वहां से आकर सिर्फ मुझे अटैक करता है, अगर वो बीजेपी का आदमी है तो मुझे क्यों अटैक करेगा एज पर उमर अब्दुल्ला। So if Umar Abdullah says he's a BJP man and he is attacking only me, mainly attacking me, what does it mean? That he has been lying through his teeth. Mujhe koi baat nahi hai, but let him now keep quiet. I will tell you one thing, let them stop humiliating Kashmiris in front of the whole world. A person comes on TV, Mehbooba ji ke saath lakh ikhtilaf, but look at the language he used. Agar Delhi ko ye lagta hai ki unne koi gunda rakha hai, जो भी कोई कश्मीरियों की बात करे वो रिलीज करके उसकी पगड़ी उछालेगा, वैसा नहीं होगा, वो गया, इट्स ओवर। आई थिंक द होल पॉपुलेशन ऑफ नोस वेयर ही स्टैंड्स। ये सीधा है भाई, गुंडा है भाई, ये वो क्यों ज्यादा बातें कर रहा है, चलो भाई रिलीज करो इसको, वो 2 थप्पड़ मार कर आएगा। सो दैट इज हाउ इट इज। टोपी उछाल रहे, देखो यार, जमात इस्लामिया की बहुत सैक्रिफाइसेस हैं, आई फील सॉरी, I feel very sorry they are with them, but that does not take it away. I have nothing ideologically in common with them. They voted against me, they will again vote against me. Right? Wo majboor hain, kya hain, lekin dil toot gaya. Unka matlab, I didn't expect them to team up with someone who is being openly accused like this. At the end of the day, they are a religious party. So, hum jo hain, we are not based, hum Musliman hain, but our parties are political parties. So, विद जमात थोड़ा तो दिल टूट गया, दिल खटा हो गया। कोई देखिए, आई विल टेल यू समथिंग, हर सरकार जो सेंटर में आई उसको लगा कि इसके बाद कोई और सरकार नहीं आने वाली। देर इज नेवर एन एंड इन अ प्लेस लाइक कश्मीर और इन एनी अदर प्लेस, देर इज नो द एंड, द एंड ही होता है, हर दिन एक नया शुरुआत होती है, बट टिपिकली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अंटिल दे आर देयर यू नो वट एवर दे माई डू विद देम। बट जमात का इसलिए है बिकॉज वी हैव ऑल्सो सफर्ड अ लॉट। I have seen them in jail. When I was in jail, I have seen them being interrogated in jail, right? So, इसलिए मुझे वो जो है वहाँ थोड़ी सी somewhere वो tinge of sympathy हो जाती है कि जब इनको लोग किसी और म्यान में तोलना शुरू कर देते हैं, तो I feel a bit protective about them. Otherwise, as I said, ideologically,
I have nothing to do with them. They voted against me and will vote against me. But yes, I feel bad because they have, मकसद ये है कि एक जो है एक बंदे को मतलब एक ह्यूमिलिएटिंग सिनेरियो बना रहा है कश्मीर का। एक बंदा है उठ के हमारी जो लेडीज पॉलिटिशियंस हैं उनके बारे में गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके घर में खुद माँ बहने हैं, हमारे घर में माँ बहने हैं, आपके घर में होंगी। हु वुड वांट टू यूज सच अ लैंग्वेज पब्लिकली, रेप्रेहेंसिबल। इतना गंदा तो पॉलिटिक्स को यहाँ कभी नहीं, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया जितना इन्होंने किया। इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। एंड मिडनाइट मीटिंग्स, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ये तो अब एक चीज है कि फेवरेट पंचिंग बैग सजाद लोगों, तो जो भी आए तो दे मुक्का सजाद लोगों को, जो भी आए तो दे मुक्का ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस को, कभी मौली साहब को, कभी हमारे इरफान साहब को। ये हम जानते हैं, ये जानता है बिलखसूस। ही इज द हीरो ऑफ द डे, ही इज द पर्सन। इसने 20,000 वोट लिए पार्लियामेंट में भी, और आज की डेट में आई प्रॉमिस यू if agencies don't intervene, he is the winner. Yes, 100% the winner. But what he and his workers face every day, wo iska Allah janta hai ki kaise ye fight kar raha hai uske against. Aapne to wo video bhi, audio bhi suna hoga kaise wo bol raha hai ki bhai wo uth raha hai iske khilaf, wo usko band kar diya wahan, usne ghar ke bahar taala lagaya hoga. So you just see a part of the picture. Yahan dekha bada romantic, haan ji wo hai ji, ye hai ji. तो ये तो छोड़ो यार, मैं मुझे पता है कि इंजीनियर रशीद का पॉलिटिकल आगाज किस कैंप से हो गया, मैं जानता हूँ। वो पिछले 15-16 साल से एक किरदार निभा रहा है, आज मेरे ख्याल में लोगों को समझ आ रहा है, धमका रहा है लोगों से, हमारे वर्कर को किस पॉलिटिकल, किस आर्मी कैंप से उसने अपनी शुरुआत की है, के गलियों से उन्होंने शुरुआत की हमें पता है, कहां नागपुर से उसने शुरुआत की है वो हमारे को पूरा पता है। एक किरदार में था जो अब तक निभा रहा था, लेकिन अब हकीकत लोगों को आ गया, चाहे उसका पार्लियामेंट इलेक्शन, चाहे कोई भी इलेक्शन, उसके लिए माहौल बनाया गया तो उसको इलेक्शन जिताने के लिए। आज इतना हमारे वर्करों को इतना धमकाया जा रहा है कि जो कैंडिडेट एक है जिसने फॉर्म भरा उसने घर में ताला लगा के भागा है, और दूसरा कैंडिडेट जो उसी के एरिया में उसी के गांव में रहने वाला है वो हमारे पास आ गया ज्वाइन करने के लिए अपनी सिक्योरिटी के लिए। मेरे ख्याल में दिस मैटर इज वेरी सीरियस, और मैं जानता हूँ वो कितने पद्म है जमा इकवानी है, मैं जानता हूँ, लेकिन हम फौलाद की तरह पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक अदना सा मैं सिपाही हूँ, फौलाद की तरह इंशाल्लाह उसका मुकाबला करूंगा, और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में मैं उसे हराऊंगा।